तो स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि WCC2 में IPL ऑक्शन का अगर आपको ट्रिक जानना है तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। और दोस्तों आपके लिए मैं वीडियो लेके आ चुका हूं, तो दोस्तों आपको बस करना है क्या, वाली वीडियो पूरी अंत तक देखनी है। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों आप फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको मैं कह रहा हूं कि वाली वीडियो पूरी देखिए। और दोस्तों बिना वक्त गए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हम अपने WCC2 के नए अपडेट में एक IPL ऑक्शन जैसा जो मोड है वो कैसे ला सकेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना है कि अपनी गेम खोलनी है। तो दोस्तों जब आप अपनी गेम खोलते हैं टूर्नामेंट में जाइए, उसके बाद अपनी लीग में, फिर वहां पे आप नेशनल प्रीमियर लीग में जाइए जो कि इंडिया की इंडिया प्रीमियर लीग है। तो दोस्तों हम कोई सी भी एक अभी यहाँ पे टीम चूज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट टीम चेन्नई को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई सा भी एक साथ चूज़ कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे लिए WCC2 ने नए अपडेट में लाया करैक्टर कस्टमाइजेशन। तो दोस्तों करैक्टर कस्टमाइजेशन जो है वो हमें अभी किसी भी गेम में नहीं मिलने वाला है, एंड्रॉयड क्रिकेट गेम है जो अभी हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के लिए रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों इसी करैक्टर कस्टमाइजेशन की वजह से आप एक दोस्तों ऐसा एक मोड तैयार कर सकते हो जिससे आप दोस्तों IPL ऑक्शन जैसा एक फीचर भी आप ला सकते हो। क्योंकि दोस्तों IPL के ऑक्शन में वैसा होता क्या है, जैसा आपको पता है जो कि IPL ऑक्शन हमें रियल क्रिकेट में देखने को मिलता था, दोस्तों रियल क्रिकेट 17 में हमें वैसा देखने को मिल रहा है, 18 में नहीं देखने को मिला है। तो 18 में शायद से नए अपडेट में आ सकते हैं, दोस्तों 17 में हमें देखने को मिल रहा है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, तो उसमें ऑक्शन होते तो हमें फिर बिड लगानी होती, ये प्लेयर हमारे टीम में इतने का जाएगा तो ये इतने का जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों इसमें करना है लेकिन आपको इसमें बिड्स लगाने नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी अपनी टीम में चाहिए सारे के सारे प्लेयर्स अपनी मर्जी के, यानी कि अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स में आपको विराट कोहली भी चाहिए, क्रिस गेल भी चाहिए, एबी डिविलियर्स भी चाहिए, और साथ में एमएस धोनी और सुरेश रैना सारे प्लेयर्स चाहिए अच्छे अच्छे जो कि हमारे उस टीम में रहेंगे, पर्टिकुलर टीम में जो हमने चूज़ क्योंकि जिस पे हम जिस टीम पे हम ऑक्शन कर रहे होंगे, तो वैसे ही अब आपको मैं फीचर बताऊंगा। तो आपको अपने जब आप यहाँ पे आ जाते हैं मोड इस मोड पे, तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आप मुरली विजय दोस्तों देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे एडिट प्लेयर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे फिर उसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा अगर आपको विराट कोहली का नाम लिखना है तो दोस्तों आप यहाँ पे वी, उसके बाद आप यहाँ पे कोहली की स्पेलिंग लिख लीजिए, तो दोस्तों हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता दोस्तों जो विराट कोहली है वो राइट हैंड बैट्समैन है, और दोस्तों वो जो बॉलिंग है वो अब नहीं कराते हैं फिलहाल, जो यानी कि जो पहले तो बॉलिंग कराते थे वो, लेकिन अब दोस्तों वो बॉलिंग नहीं कराते। तो हम यहाँ पे बॉलर टाइम 9 पे कर देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कस्टमाइज में जाइए और यहाँ पे आप उनकी जो फेस है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो चेंज। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे फिर हेयर्स में जाइए, तो यहाँ पे हम जाने वाले हैं दोस्तों जो कि विराट कोहली जैसा रखते हैं, तो स्टाइल तो वैसा तो यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि हम वैसा ही कुछ बना पाएं। तो हम इसे चूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम उनकी बियर्ड चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों उनका बियर्ड का स्टाइल है विराट कोहली का। तो यहाँ पे दोस्तों हम कर लेते हैं इसे चूज़। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो विराट कोहली की जो बियर्ड है वो भी कुछ इस तरह के रखते हैं। तो अब यहाँ पे आप कैप लगा देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लेयर की लुक है थोड़ी बहुत तो दोस्तों विराट कोहली जैसी लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप दोस्तों आपको लग रहा है नहीं लग रहा है वो आपको पता होगा। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं जो विराट कोहली जैसी तो लुक लग रही है इनकी। तो उसके बाद हम अब इनका जो नंबर है चूज़ कर लेते हैं, जैसे तो कोई सा भी आप नंबर चूज़ कर ले, जैसे हम यहाँ पे 14 चूज़ कर लेते हैं, तो ओके पे दबा देते हैं। तो फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे उनका टैटो भी चूज़ कर लेते हैं, दोस्तों इस तरह का टैटो उन्होंने कुछ बनाया हुआ है अपने बाजू पे। तो उसके बाद फिर यहाँ से आप उनकी हाइट कर सकते हो कि कितने हाइट का आपने रखना है, जो प्लेयर है आप इंटरनेट पर सर्च करिए उनकी हाइट, तो आप उतनी ज़्यादा हाइट भी रख सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो विराट कोहली थे वो आ चुके हैं हमारी इस चेन्नई सुपर किंग्स में। तो वैसे ही आप यहाँ पे शेन वॉटसन को भी आप यहाँ से कर सकते हो, सुरेश रैना जैसे हमारे यहाँ पे MS धोनी, इन सबको आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे ओके करिए और जो आपकी गेम है वो चल जाने वाली दोस्तों, और आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं वो आपके टीम में आ जाएंगे। और आपको बस करना है कि अपना इन प्लेयर्स का नाम जो है वो सही रखना है, और साथ में जो उनकी बैटिंग स्टाइल बॉलिंग स्टाइल वो भी ध्यान में रखते हुए आपको इसमें चूज़ करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपके जो टीम है वो तैयार हो जाएगी। तो ऑक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें इसमें, तो दोस्तों लेकिन WCC2 में हमें ये फीचर मिल जाता है जिससे हमें ऑक्शन का भी एक ऐसा फीचर देखने को मिल जाता है दोस्तों WCC2 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सबको समझ में आ चुका होगा, अगर आपको मेरी वीडियो में सबको समझ में आ चुका है तो मेरे इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और दोस्तों साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरा नाम है तुषार, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक ले जय।